थाली का मन किया, वो जैन में तो महाकाल से मंगा लिया। बॉयकॉट गैंग एक बार फिर से अपने काम पर लग गया है। अब एक और नया बॉयकॉट ट्रेंड शुरू हो गया है और इस बार बारी है फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो और बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की। इस बार विवाद खड़ा हुआ है ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के नए विज्ञापन की वजह से, जिसने एक बार फिर से इस देश के कुछ लोगों की भावनाएं आहत कर दी हैं। बॉलीवुड तो लगातार हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बार बार आहत करने के आरोप झेल रहा है, इसके चलते बॉयकॉट मुहिम का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब ऋतिक रोशन के इस विज्ञापन ने आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल इस एडवर्टाइजमेंट में ऋतिक रोशन ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का जिक्र किया है। जोमैटो के इस एड में ऋतिक कई शहरों का जिक्र करते हैं। इन्हीं में से एक विज्ञापन में उज्जैन का नाम लेते हुए ऋतिक कहते हैं कि थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगवा लिया। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर हिंदुओं की आस्था के प्रति भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल में सिर्फ प्रसाद वितरण होता है और वो भी मंदिर प्रांगण के अंदर। यहाँ से कोई भी थाली डिलीवर नहीं की जाती। ये विज्ञापन महाकाल का अपमान करता है और इसके बारे में गलत जानकारी फैलाता है। वहीं अब पुजारियों ने कंपनी से ये विज्ञापन हटाए और साथ ही ऋतिक रोशन से माफी मांगने की भी मांग की है। बता दें कि इस विवाद के चलते ऋतिक की आने वाली फिल्म विक्रम वेधा पर भी बुरा असर पड़ सकता है।